महामाई सामुंदे मुंद मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य दही देवी को तो मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज माँ कामाख्या ने आज यहाँ पर बुलाया और माँ कामाख्या का आशीर्वाद लिया है। ये सिद्ध पीठ, ये तपोभूमि माँ कामाख्या की, यहाँ पर लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु शीश नवाने के लिए आते हैं। आज मुझे भी यहाँ माँ कामाख्या के चरणों में शीश नवाने का अवसर मिला है, मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं माँ कामाख्या के चरणों में पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों और उनके उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली और विकास के ऊपर हरियाणा गति से आगे बढ़े, मैं इसकी कामना माँ कामाख्या के चरणों में करने के लिए आया हूँ। और माँ कामाख्या का ये आशीर्वाद ये मिला है, मैं परम सौभाग्यशाली। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ मिलना हुआ है, उनके नेतृत्व में असम एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से लोक हित में काम कर रही है, हर मजबूती से काम कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इन 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो विकास की एक नई गियर शुरू की है और यहाँ पर जो विकास के कार्य गति से हो रहे हैं, उस गति के अंदर हमारे हेमंत विश्वास शर्मा जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और माँ कामाख्या के चरणों में मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हेमंत विश्वास शर्मा जिस प्रकार से असम के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, हमारा असम भी विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है, वो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और असम भी विकास की नई नई ऊंचाइयों को उनके नेतृत्व में वो छुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार मजबूती से प्रदेश को और इस नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। मैं असम के भी सभी जन गणमान्य लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और हेमंत विश्वा शर्मा जो निस्वार्थ भाव से गरीब व्यक्ति के लिए और पिछड़े क्षेत्र को अग्रे करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई।